यूपी उपचुनाव की एक सीट के लिए आमने सामने आ सकते हैं योगी और अखिलेश। गोला गोकरनाथ सीट पर प्रचार के लिए जाएंगे योगी, तो अखिलेश के लिए भी तैयार हो गई है प्लानिंग। अगर दोनों ने की समाएं तो रोचक हो जाएगी उपचुनाव की जंग। प्रदेश की गोला गोकरनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव 3 नवंबर को होना है। बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर अपनी ताकत झोंक दी है, वहीं सपा की ओर से भी रणनीति फाइनल हो चुकी है। 31 अक्टूबर को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ गोला गोकरनाथ में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं सपा के सूत्र भी बताते हैं कि अखिलेश यादव का कार्यक्रम भी यहां लग सकता है। यहां के अमन गिरी भाजपा के उम्मीदवार हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की विनय तिवारी को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस और बसपा चुनाव नहीं लड़ रही है। इस सीट का चुनाव जितना अहम बन चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी के कई मंत्रियों को चुनाव प्रचार में लगाया गया है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार बलदेव सिंह ओला लगातार यहाँ पर चुनावी सभाएं और वोट मांग रहे हैं। वही दूसरी ओर इस सीट पर प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद ये चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव इस सीट पर उपचुनाव में प्रचार करने जाएंगे। दरअसल अखिलेश यादव के बारे में कहा जाता है कि वे उपचुनाव में प्रचार करने नहीं जाते हैं। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी वह प्रचार करने नहीं गई थी। हालांकि वहां सपा की हार के बाद उनके प्रचार में नहीं जाने पर सवाल भी उठे, लेकिन कहा गया है कि वे कभी भी उपचुनाव के लिए प्रचार नहीं करती। सपा से जुड़े सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव पुरानी रणनीति छोड़कर अब ताबड़तोड़ मोड में काम करने की तैयारी में है, और उनके सलाहकारों ने भी उपचुनाव के दौरान प्रचार करने की सलाह दी है। अभी अखिलेश यादव का कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन सपा के कई नेताओं ने अखिलेश यादव का प्रोग्राम तय करने के लिए बात करना शुरू कर दिया है। अब अगर इस चुनाव के लिए अखिलेश और योगी आदित्यनाथ दोनों प्रचार मैदान में कूदेंगे तो चुनाव रोचक होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।